फ्रेंड्स आप सब कैसे हैं, उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे और सब सुंदर होंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आज आवाज़ अच्छे से आने वाली नहीं है क्योंकि सतलुज का उफान बहुत ज़्यादा है। दिखाओ तो ज़्यादा कैमरा में जोर से बोलो जी फिर। तो सतलुज बहुत ज़्यादा उफान पर है तो यहाँ पर बहुत शोर शराबा हो रहा है और आवाज़ ठीक से मुश्किलें आने वाली है। और मैंने वीडियो भी भारी शूट करनी थी, आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज है डेट है 5 तारीख और क्या है जुलाई है, जुलाई लग पड़ा है और याद ही नहीं रहते। तो आज की वीडियो होने वाली है हमारे ऑर्गेनिक भाजी सब्जी वेजिटेबल और क्या क्या लगाए वो सब मैं आपको दिखाऊंगी। हमारे यहाँ आज तक क्या क्या लगाया है और बहुत कम मात्रा में लगाया है इस साल क्योंकि ऑपरेशन के बाद मैंने काम ही नहीं किया है। जो कुछ है वो शेयर करूँगी आपको। फ्रेंड्स तो यहाँ पर है मैंने घिया लगाया। अब तो पिछले साल तो मैंने बहुत सारी लगाई होती थी, इस साल थोड़ी बहुत लगाई है क्योंकि इस साल इतना ज़्यादा काम करने की हिम्मत नहीं थी मेरी, तो थोड़ी बहुत बेल अपने लिए लगा दी थी। तो आजकल लग गई है इनमें बहुत अच्छी घिया, वही मैं आप लोगों को दिखाने वाली हूँ। आप लोगों में दिखा दूँ, यहाँ देखिए कितनी बड़ी हो चुकी है घिया और एक है इस साइड से भी लगी, यहाँ से लग गई थी मैं ये देखिए है। तो काफ़ी खूब सारी लगी है, यहाँ ऊपर भी है, यहाँ पर भी, यहाँ छोटी छोटी बहुत सारी लगी है। और सबसे पहले तो आज मैं सब्जी के लिए फर्स्ट बार ये वाली घिया निकालने वाली हूँ। तो फ्रेंड्स मैं कट कर रही हूँ, ये देखिए तो इतनी बड़ी घिया और ताज़ी ताज़ी फ्रेश फ्रेश है ना, अच्छी लगी है। अब बाकी हम बना के काट के खाएंगे तभी टेस्टी लगेगी। तो फ्रेंड्स यहाँ देख सकते हैं आप, यहाँ पर भी छोटी छोटी घिया लगी है, मतलब अभी आने वाले टाइम में बहुत ही सारी घिया लगी है, मतलब बहुत सारी खा खा के ख़त्म नहीं होने वाले, बेच निकली हुई बहुत सारी होने वाली है। देखिए आप देख सकते हो ऊपर भी देखिए, और इधर वाली लगी हुई है। अब इस वाली ना उतने अच्छे से मेंटेन नहीं किया हमने खेत को। तो फ्रेंड्स बड़े वाले खेत से हम आगे चल के और यहाँ इस साइड भी खेत है तो उस खेत में जा रही हूँ, वहाँ पर भी घिया लगाए हैं और ढेर सारा काम करने के लिए बाकी है और वो भी दिखाती हूँ। ये वाली बेल है और इसमें शायद अभी तक घेर नहीं लगी, कौन सी वैरायटी की लगने वाली है इसमें, मुझे लगता है कि गोल वाली वैरायटी की लगने वाली है तभी ये इसमें बेच पाता है। तो जो लंबे वाली घेर है वो जो ये लोकल घिया है ना इसलिए। और ये वाला खेत देख सकते हैं आप, घास ही घास भर गया है क्योंकि मैं यूट्यूब में बिजी हूँ तो खेत की बुरा हाल है। अब कल से इस खेत का भी काम करना पड़ेगा, इसमें हमने लगाए हैं आलू कचालू बेटा तो वो लगाए हैं और इसकी निंदाई करनी पड़ेगी, ये सारा पकना पड़ेगा। अब कल से करते हैं ये काम, फ्री हो गए हैं तो यही था। इसमें कुछ भी नहीं लगाया है, मैं देखने आई थी मैंने सोचा ये वाला भी दिखा देती हूँ, कुछ भी नहीं लगा इसमें, इसमें लेट लगेगा इसमें शायद। हाँ यहाँ पर तो लंबे वाला घिया लग रहा है, सब कुछ घिया लग रहा है, अलग अलग बेल लग रही है। हाँ यहाँ तो लंबे वाला है, दूसरी वैरायटी का ही। ओके चलो चलते हैं करने को, और काम शायद नाश्ते हो गए हैं। अब जाए रोहित जल जल दिया खबर है। अच्छा ये कैसा असर है जन्म के बिलवर बिलवर ये गाइस
बच्चों को पकाते पकाते इसमें मेरे बाजू में बना तो फ्रेंड्स ये था मेरा आज का ब्लॉग, और ये वाला ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा ये ज़रूर बताइएगा। और इसी खूबसूरत व्यू के साथ करती हूँ वीडियो का एंड, और चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं किसी अच्छी सी ब्लॉग में नेक्स्ट डे। बाय बाय, तब तक के लिए टेक केयर।